नमस्कार। खेलों का जीवन में बड़ा महत्व है। ये ना सिर्फ हमें स्वस्थ रखते हैं बल्कि समाज को भी एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं। दमखम और जोश जुनून से भरे हरियाणवी युवाओं के लिए एक तरफ तो खेल एक उत्सव जैसा होता है, वहीं दूसरी तरफ मैदान जंग जैसा भी होता है। तभी तो वो खेलों में जी और जान लगाकर अपनी मातृभूमि की शान बढ़ाते। हरियाणा मेरी मातृभूमि, भारत हमारा, इसकी ताकत मरना जीना सहयोग काम हमारा लगा हो कहना रहा। वैसे भी हरियाणा की संस्कृति खेल संस्कृति है। यहाँ के गांवों के बारे में कहा जाता है, मेरे हरियाणा के गांव पूरे भारतवर्ष की शान, गली गली खिलाड़ी यहाँ, घर घर पहलवान। जी हाँ, हरियाणा के तो रग रग में खेल बसा हुआ है। यहाँ पर खेलों को जितना महत्व दिया जाता है उतना शायद ही किसी प्रदेश में दिया जाता हो, और खिलाड़ियों को जो सम्मान दिया जाता है वो सारी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सदियों से यहाँ पर विजेता खिलाड़ियों को नकदी और उपहार देकर आशीर्वाद और सम्मान दिया जाता है। पदक जीतकर आने वाले खिलाड़ियों का स्वागत बड़े भव्य और अनोखे तरीके से किया जाता है। खिलाड़ियों को नोटों और फूलों की माला पहनाकर ट्रैक्टरों, रथों और खुले वाहनों में बैंड बाजों के साथ जुलूस निकाला जाता है। ऊंट घोड़ों के करतब दिखाए जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें सब नाचते गाते और खुशियां मनाते हैं। गाँव गाँव में बजी बधाई, लड्डू खाए खुशी मनाई, लड्डू खाए खुशी मनाई, नचन लागे देख के मेडल गदगद हो के लोग लुगाई, गदगद हो के लोग लुगाई, लाड करे अर सिर पुचकारे गाँव के तगड़े मारे, अर जीसा आ गया रे, जीसा आ गया रे, इब कहने पीछे खड़े, जीसा आ गया रे, इब कहने पीछे खड़े। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व और खेल मंत्री श्री अनिल विज जी के मार्गदर्शन में वर्तमान हरियाणा सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए प्रदेश में खेलों के प्रति निष्पक्ष और सकारात्मक सोच रखते हुए नई खेल नीति को लागू किया है, जिसने हरियाणा की खेल संस्कृति को एक नया जीवन दिया है। देखिए, खेल नीति का मतलब ही ये होता है कि ऐसी नीति तैयार करना जो खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए और उनको तैयार करे कि ताकि वो खेल के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ सके। उसी को मद्देनज़र रख के हमने अपनी खेल नीति बनाई है। हमारी नीति वो नहीं है कि आप पदक ले आओ तो फिर हम आपकी ब्रांडिंग करेंगे, फिर हम आपको नौकरी देंगे या प्राइज़ देंगे। हमारी नीति ये है कि आपको प्राइज़ लेने के काबिल बनाना, आपको पदक लेने के काबिल बनाना। उसके लिए हमने हर स्तर पर खेल नीति में परिवर्तन किया है। यानी छोटी क्लास से लेकर, छोटी उम्र से लेकर हमने खिलाड़ियों के लिए बाकायदा अकेडमियाँ खोल रहे हैं, नर्सरीज खोल रहे हैं, ताकि कैच देम यंग इज़ आवर एम, इज़ आवर मोटिव, कि हम उनको शुरू से ही हम बनाएं। हम अपने प्रदेश में हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी नेशनल गेम्स हैं, हम आज की तारीख में बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिनमें हम प्राइजेस भी लाते हैं, लेकिन सारे प्रांत में हमारे पास स्टेडियम नहीं है। हम बाकायदा खिलाड़ियों की मैपिंग करवा रहे हैं, और जहां पर जिस गेम के ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, हमारी कोशिश है कि स्टेडियम राजनीतिक आधार पर ना बनाकर खिलाड़ियों की ज़रूरत के आधार पर बनाए जाएं, ताकि वहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बना सकें। खिलाड़ियों को सुविधाएं भी दे रहे हैं, नौकरी के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमने वेबसाइट बना रहे हैं, ताकि हर खिलाड़ी अपना खुद आंकलन कर सके कि वो किस नौकरी के लिए हकदार है, किस प्राइज के लिए हकदार है। उसको किसी की सिफारिश न करवानी पड़े, किसी के दरवाजे पर जाना ना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व और खेल मंत्री श्री अनिल विज जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाले इनामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत रियो ओलंपिक 2016 खेलों को ध्यान में रखकर ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली नकद राशि बढ़ाकर स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2.5 करोड़ कर दी गई है।
इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के ओलंपिक में प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों को अब 11 लाख की जगह 15 लाख रुपए की राशि पुरस्कार में दी जाएगी और ये देश में दी जाने वाली नकद पुरस्कारों की राशि में सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन खेलों, कॉमनवेल्थ खेलों, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों, नेशनल खेलों और नेशनल चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों के इनामों में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने न सिर्फ वर्तमान खिलाड़ियों के बारे में सोचा बल्कि प्रदेश और देश के लिए खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके खिलाड़ियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की हैं, जिसमें पेंशन योजना और बीमा योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य के खिलाड़ियों की खेलों में रुचि बनाए रखने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा खेल एवं शारीरिक उपयुक्तता नीति 2015 बनाई गई है, जिसके तहत कई नए अवार्ड दिए जाने का प्रावधान रखा गया है, जिनमें से एकलव्य अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड प्रमुख होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरियां प्रदान करने संबंधी योजनाओं में उपलब्धियों के आधार पर पारदर्शिता का प्रावधान किया गया है, जिससे किसी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश नहीं होगी और राज्य के अनेक योग्य खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व और खेल मंत्री श्री अनिल विज जी के मार्गदर्शन में पहली बार खेल नीति में शारीरिक स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। हर गांव में योग एवं व्यायाम शालाएं स्थापित की जाएंगी। प्रथम चरण में साल भर में कुल 1000 योग एवं व्यायाम शालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से इस वर्ष सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 योग एवं व्यायाम शालाएं स्थापित की जा रही हैं। सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में खेल सुविधाओं का समान विकास किया जा रहा है। हरियाणा राज्य में पहली बार खेलों के विकास और प्रचार के लिए खेल सबके लिए के आधार पर स्पोर्ट्स काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है। ये काउंसिल गांव, जिला, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी और राज्य स्तर पर गठित की जा रही है। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक खेल परिसरों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें एस्ट्रोटर्फ और सिंथेटिक ट्रैक जैसी आधुनिक खेल सुविधाएं दी जाएंगी। इन काउंसिल्स के माध्यम से कोचिंग और प्रतियोगिताओं की नई संस्कृति का विकास होगा। वर्तमान सरकार द्वारा खेलों के विकास के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ हरियाणा का गठन कर दिया गया है। इसके साथ हरियाणा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड स्थापित किया गया है, जिसके जरिए खेलों के विकास और खिलाड़ियों के सम्मान और कल्याणार्थ योजनाएं चलाई जाएंगी। हरियाणा सरकार के प्रयासों से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा रोहतक में राष्ट्रीय एथलेटिक्स अकेडमी, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी और सोनीपत में राष्ट्रीय कुश्ती अकेडमी स्थापित कर दी गई है, जिनका जल्द ही उद्घाटन होगा। स्पीड 2015 के तहत स्कूल स्तर पर प्रथम चरण, ब्लॉक स्तर पर द्वितीय चरण, जोनल स्तर पर तृतीय चरण पर खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए कार्यक्रम आरंभ किया गया है तथा अंतिम चरण पर खिलाड़ियों की पहचान होने पर उनकी काउंसलिंग की जा चुकी है और खेल नर्सरियों एवं खेल अकेडमियों में सरकार द्वारा खिलाड़ियों को खेल से संबंधित उचित सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह गांव, ब्लॉक और जिले स्तर पर खेल सुविधाएं स्थापित करके प्रतिभावान खिलाड़ियों को तैयार किए जाने का लक्ष्य है, जिसके जरिए खेलों के क्षेत्र में हरियाणा का एक सुनहरा भविष्य तैयार होगा। ये सब माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व और खेल मंत्री श्री अनिल विज जी के मार्गदर्शन में विभाग के निरंतर प्रयासों और सकारात्मक सोच का ही असर है, जिसके कारण प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के मन में निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतियोगिता का प्रसार होने लगा है, जो उच्च मानसिकता, बेहतर स्वास्थ्य और मजबूत समाज का निर्माण करने की दिशा में असरदार साबित होने लगा है। हरियाणा के खिलाड़ियों के जोश और जज्बे को देखते हुए किसी कवि की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अभी तो मेरे बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो कई परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांघा है हमने सिर्फ पर्वतों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है,
अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार।